काले नरक में ले जाओ, जहां पर खंभों में जलाए जाते हैं 4 लाख बरस तक, 4 लाख बरस तक। सोच लो 4 लाख कितने होते हैं। और जब ये पूरा हो जाए तो वहां है कि उस नाबालिग लड़के में ले जाओ, 1 बरस के लिए, 1 लाख बरस के लिए काटो, तो दिन रात कटाई हो रही है। इधर जोड़ते जाते, काटते जाते, जोड़ते जाते, ऐसी मशीनें चलती रहती है लाखों बरस तक। जब ये सजा पूरी हो जाए तो उसी में नीचे लिखा हुआ है कि उस नाम वाले रख में ले जाओ, 10,000 बरस के लिए सड़ाओ। तो तुमको तो मौका सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलाए गए मिलेगा ही, और 1 सेकंड को आपको फुर्सत नहीं कि आपको फुर्सत मिल जाए। तो ये आफत को क्यों आप पाते? अरे जीवात्मा की रक्षा करो, हम तो आपको हित के लिए समझा रहे हैं और सही सही चीज बता रहे हैं कि आप अपनी जीवात्मा की रक्षा करो, निकालिए, होने वाला है। ये दबदबा जो है ये गिरने वाला है, वो तैयार खड़ा हुआ है ले जाने के लिए। तो अच्छा है कि तुम साकारी हो जाओ और ये रास्ता चल दो, फिर ये सुनने को आपको मिलेगा नहीं। और कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ को, बहन को, लड़की को न पहचान करो, उसी को पकड़ने लगे। माँ को पकड़ लिया, बहन को, बहन को, और कमरे में घसीले लिया जा रहे। जब लड़की ने समझाया कि तो माँ ये बहन है, तो उसको छोड़ के लड़की को घसीटने लगे। जब 10 आदमी दौड़े और मारा, तब उसको होश आया कि अब ये क्या कर रहे थे। अरे बुद्धि पागल हो गई, तो ज्ञान सुन लो क्या, वो तो सब कुछ कर सकता है। अच्छा इसका क्या दंड होगा? और भी ज्यादा दंड। तो देखो घर घर में, घर घर ये होने वाला लगा और कोई अब बोलता नहीं, चुप है, चुप्पी साथ गए सर। ऐसा युग जमाना आया कि मौत से बोल ही रहे कि जो कुछ भी इज्जत है सब हमारी खत्म, खत्म तो हो ही गई। जब तुम्हारे घर में ये काम होता है तो खत्म को हो गया। अब कोई थोड़ी समझता है कि माँ है, कि लड़की और बहन है, कुछ नहीं। मौत से कहते हो और बस करते हो। इसलिए आप हुक्का पियो, एक तो सहकारी रहो, हुक्का पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे मकान में रहो, लेकिन सहकारी नशा छोड़ दो, हुक्का पियो, तो जो तुम्हारी बरकत गिर गई वो वापस आ जाए। ईमानदारी मेहनत से काम करो तो सब बरकत वापिस, बरकत एक काम दे रहे, कभी कभी नहीं होती है। न धन की कमी है, न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी। शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, और क्या चाहिए आपको? अब तो सर शरीर रोगी हो गए, इतनी दवा खिलाई एक ठीक ही नहीं होती। हम जब उपदेश करते थे तो देवी दौड़ी और जोर से मारा उसने यहाँ सिर, तो अभी भी 2 सूत की गाय बनी हुई है। अब इसमें ऐसा दराज पड़ी हुई है, थी एक्सरे में देखिए तो ऐसी पड़ी है, अलग अलग, तो हम चल नहीं पाते। पहले तो चलते ही थे, आपके साथ करते ही थे, अब नहीं चल पाते।
तो ये जब मारामूरी होगी तो योगा से कहते हैं भाई तकलीफ है, तुम लोग हाथ जोड़ लिया करो, ऐसे प्रणाम करो तब स्वीकार, हम भी हाथ जोड़ते हैं आप भी जोड़ लिया करो, क्या बात है। तो कुछ नहीं जबरदस्ती करते, तो और तकलीफ देना चाहते हैं, इसलिए बच के रहो, बच के काम ले लो, आपको अपना काम लेना है उसको ले लीजिए और हमको छोड़े रहिए। अब चाहते हैं तुम्हारी सूरत जाग जाए, नाम इतना जुड़ जाए, तो कम से कम कूड़ा कचरा ये जो अंतःकरण में भरा हुआ तो साफ हो जाए। ये नहीं साफ कर पाओगे तो फिर कर्म भोगोगे, सफाई हो जाए तो कम से कम इनसे तो छुटकारा हो जाए। जब ये सफाई होगी तो योग रूपी अग्नि जलेगी, उसी में ये सब पूर्ण भी होगा, पाप भी भस्म हो जाएगा, दोनों के दोनों भस्म हो जाते। फिर कहते हैं रोशनी लुंगड़ी नूर, लाइट ही प्रकाश ही प्रकाश दमदमाता है, जैसे सूरज प्रकाश कर रहा है। तो खुद जिस घर में, अरे अपने घर में दरवाजा है वहां बैठ करके क्यों नहीं खोलते हो? तुमको बताया जा रहा है तुम्हारे पास दरवाजा है, सब चीज तुम्हारे पास है, आँख भी तुम्हारे पास, मन भी तुम्हारे पास, बुद्धि भी तुम्हारे, वही बुद्धि है वही मन है वही चित है, वही पर दरवाजा है वही पर आँख है वही पर कान है, एक ही जगह सब है, और तुम उसको भी नहीं जान रहे हो, तो क्या समझोगे? अब आप आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, नाम दान ले लो, पंथी मार के बैठ जाओ, पंथी मार लो, जो जो नाम हम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप, जो जो नाम बोलते जाए बोलते जाइए, जब हम चुप हो जाएंगे तो आप भी चुप हो जाइए। बोलो जय गुरुदेव। ये शंका हो गई कि बाबा जी का नाम जय गुरुदेव, इतने बड़ा और पागलपन क्या? अरे भाई मेरा नाम तुलसीदास है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो इतना भी नहीं आज तक समझ सके? हम तो प्रचार करते हैं, तो हमको क्यों आप समझते? हमारा नाम तो ये है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो संघा ही में रहते हैं भैया, तो संघा अपनी खत्म करो, उसकी कोई जड़ नहीं होती है संघा की, इसलिए इसको खत्म करो। जो जो नाम बोलते जाए आप बोलिएगा प्रेम से, बोलो जय गुरुदेव। थोड़ा इसको समझाना पड़ता है, ऐसे बड़े कष्ट उठाए बहुत ये सब सब बताना पड़ता है तो फिर मान जाता है, मानता है फिर तुरंत का मान लेता है, अरे भाई हमको बताया गया मन को साथ ले लो तो बड़ा आनंद मिलेगा, तुम इधर उधर भागते हो और भाग करके परेशान होते हो, अम्मी साथ में क्या करें, कहाँ छोड़ करके जाए, तो फिर मान जाता है और साथ दे जाएगा, और तुमको खूब पीने को मिलेगा, जितना चाहो तालाब कुआं समुद्र पीने को तुमको मिलेगा, तो लग जाएगा, जब लग जाए साथ दे देगा तो उतना ही जाना था, तो कान सुनने लगे, कान से सुनाई देने लगेगा, तो इसको रस आने लगेगा, जब थोड़े दिन सुन लोगे तो ये खुद ही कहेगा चलो बैठो पहले वो काम कर लो, ये खुद ही कहेगा कि चलो वहाँ यहाँ नहीं अच्छा नहीं, उसमें बहुत अच्छा लगता है, फिर मान जाएगा। हर तरह से इसको मनाना है, 15 मिनट से कम नहीं, 15 मिनट तुम्हें 15 मिनट ध्यान 15 मिनट भजन, जब आप
ध्यान की साधना करो तो 15 मिनट करो, ये तो हमने आपको 6 मिनट में उठा दिया, 6 मिनट ध्यान 6 मिनट भजन में, ये जरा पूछ तो ले, 15 मिनट से कम मत करना, फिर ये रुकने लगेगा, आँख के साथ रुकेगा तो इसको भी दिखाई दे रही है, आँख खुलेगी। इसलिए तो जल्दी में आपको बताया, लग करके करो, लगन से करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। हम लोग भी तो गए थे, तो कौन सा वहाँ पढ़े लिखे कहते गए थे, वहाँ ऐसे ही बताया गया था, तो किया गया खूब करो जिम करके, तो आपका तो कुछ हो भी जाओगे, हमारा तो महीनों कुछ नहीं हुआ, तब उसके बाद में फिर दया हुई गुरु जी। 15 मिनट से कम नहीं, और लेट के करना, यही जब रात को सोने जाना अपने डेरे में तो लेट जाना, कान बंद कर लेना, रुमाल मुंह पर डाल लेना, बस लगना तो ठहर जाएगा, 2-3 मिनट तो लगेगा, फिर कहाँ जाएगा, लेट के तो सोने के सोना है, अगर नींद आए तो सो जाना, और नहीं नींद आए तो जरा सा थोड़ा सा कान के साथ इसको लगाओ। तो ये मेहनत इतनी देर से आपके साथ की है, तो इसके एवज में, क्योंकि आपको चीज याद रहेगी आपके फायदे के लिए, और नहीं तुम करोगे तो तुम बैठ जाओगे, तो क्या करना, हमारी दक्षिणा दे दो, हमने मेहनत की, इतना पूरा भेद बताया, दक्षिणा में क्या करना है, जो आपकी इच्छा हो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं, झोले वाले आएंगे जो तुम्हारी इच्छा हो झोलों में डाल देंगे, खड़े खड़े हो जाओ झोले वाले, जल्दी से जल्दी पहुंचो, बैठे रहे ना, आपके पास आएंगे उनको डाल दो, जो इच्छा हो फिर हमको मिल जाएगा, और यही आपका दक्षिणा देवी फिराबी के काम आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी चलो, उठना नहीं, इनको दे दो, अभी हम बैठे हैं, जो आपकी इच्छा हो दे, और कोई आदमी पहले से कोई सामान लाया हो प्रसाद अर्साद किसी देने के लिए तो इसी में डाल देना, उसी दक्षिणा के साथ तो जोड़ देना, वो भी मिल जाएगा, तो वो क्या हम सब खा लेंगे, आपको तो जानना चाहिए कि सब भंडारे में जाएगा, फिर उसके बाद फिर आप प्रसाद लोगे, देखो जल्दी जल्दी निकाल के रखो, हाथ पर फट झोला आए बस दे दो, यही याद करेगा, याद रखेगा, ये भजन कराएगा, ऐसी दक्षिणा भजन कराती है, जो आपकी इच्छा उसको दे देना, पड़ा हुआ है, और ये मंदिर का जितना भी प्रसाद है सब भर गया है, तो ये सब मैदान पूरा भरा है, ये कोई अंदाजा लगा सकता है कितना अभी होगा, और जिले के जितने अधिकारी हैं उनके किसी बाधा में लेकिन मत डालना, शांति से, अभी बैठे रहो आप, जल्दी इनको दे दो पहले, अभी हम प्रार्थना बोलेंगे तब बड़ा बोलना, बैठे रहो सबके सब, पहले एक काम कर लो, सबके सब खड़े हो जाओ।
सबके सब खड़े हो जाओ। अरे अचल सिंह, ओ अचल सिंह, कल पीछे वाले खड़े हो जाओ। तो देखो मालिक उधर भी है, ऐसा मत समझो वो देख नहीं रहा, वो सब देख रहा, सामने से भी देख रहा, ऊपर से भी नीचे से भी देख रहा। हमारी तरफ घूम जाओ, पता ही नहीं चलता ये कब घूम गए। हमारी तरफ घूम जाओ, शाम को 5 बजे से फिर होगा, शाम को 5 बजे से होगा सत्संग। शाम को 5 बजे सत्संग होगा। देखिए इधर इधर अगर घूम के आइए तक हाईवे तक देखिए, इधर हाईवे तक ये देखिए, उधर जाइए, वहाँ कोने पर जाइए, उधर देखिए, उधर देखिए, कितना आदमी को जुटा था।